मैं ममता सतपथी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष पर बनाएंगे एक इंडियन स्वीट रेसिपी जो है डबल लेयर चॉकलेट मावा बर्फी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और कुकिंग टिप्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चॉकलेट मावा बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पैन में एक बाउल मावा। मावा हमने घर पे ही तैयार कर लिया है, इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क है। आप चाहे तो मावा बाजार से खरीद के इसे बना सकते हैं। अब हम इसे स्टार कर लेंगे। लो फ्लेम पर ही रख के हम इसे कंटिन्यूअसली स्टार करते रहेंगे ताकि ये पैन के साथ ना चिपके। देखिए स्टार करते करते ये थोड़ा सा ठीक होने लगा है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। हम इसमें 3/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स होने के बाद हमारा मावा थोड़ा पतला हो गया है। 3 से 4 मिनट तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे आप तेज आंच पर बिल्कुल न पकाएं, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। देखिए हमारा मावा थोड़ा ठीक हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई इलायची। ये हमारे मिठाई को एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बर्फी को सेट करने के लिए हमने एक ट्रे लिया है। हमने एक पार्चमेंट पेपर को ट्रे के साइज कर काट कर इसके नीचे रख दिया है। अब हम इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हम टिन के बेस और साइड्स अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि सेट होने के बाद बर्फी आसानी से निकल जाए। अब हम इसमें बर्फी को सेट होने के लिए डाल देंगे। बर्फी को अच्छे से प्लेन कर देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम चॉकलेट लेयर के लिए 3/4 बाउल मावा लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर स्टार करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा मावा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है और कोको पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये पैन में ना चिपके। 2 मिनट के बाद हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डाल देंगे। चीनी को हम मावा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। इसे हम 3 मिनट तक धीरे धीरे चलाते रहेंगे। बर्फी अच्छा बने इसलिए मावा को धीरे धीरे चलाना बहुत ही जरूरी है। देखिए मावा ठीक होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई इलायची। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। हमारा चॉकलेट लेयर भी रेडी है और गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम चॉकलेट लेयर को इसके ऊपर डाल के स्प्रेड कर देंगे। इसे हमने इवनली स्प्रेड कर लिया है। बर्फी को अब हम कुटी हुई ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। मैंने काजू बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश किया है। आप इसे अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को 1 स्पून लेकर हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। फिर हम बर्फी को 7 से 8 घंटे तक ठंडा होने देंगे। 8 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। हमारा 2 लेयर चॉकलेट मावा बर्फी बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी खास ओकेशन पर बना सकते हैं। ये इजीली बन जाता है। आप इस स्वादिष्ट रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।